इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के फगवाड़ा से। खबर विस्तार से। बीते दिनों फगवाड़ा से 3 बच्चों के गायब होने का मामला सामने आने से शहर में सनसनी फैल गई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए जिला कपूरथला के एसएसपी के हुक्मों मुताबिक एसपी फगवाड़ा तथा डीएसपी फगवाड़ा की निगरानी में अलग अलग टीमें गठित की गई थी। सभी टीमों को अलग अलग स्थानों पर रवाना किया गया। एक टीम लोकल फगवाड़ा में लगाई गई। पुलिस की कड़ी मुशक्कत के बाद तीनों बच्चों को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया गया तथा फगवाड़ा में उनके माँ बाप को सौंप दिया गया। तीनों बच्चों के माता पिता द्वारा पुलिस का धन्यवाद किया गया। पूरे शहर में जिला कपूरथला पुलिस की इस कार्यशाली पर प्रशंसा हो रही है। रमन बहल स्टेट हेड की खास रिपोर्ट। कितने दिन से बच्चे लापता थे आप? 5 दिन से। कम आज मिल गए आपको? जी ठीक ठाक मिल गए बच्चे? जी ठीक ठाक मिल गए। क्या कहना चाहते हैं फगवाड़ा पुलिस के लिए? फगवाड़ा पुलिस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने दिल से कि जो हाँ सारी टीम मतलब कि मेरे बच्चे को सारे तीनों बच्चे को ढूंढने के लिए दिन रात नहीं देखे कि जो हाँ दिन रात क्या होता है, भूख प्यास क्या होता है, सारे लग गए थे। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सारी मीडिया टीम को भी। कितने दिन बाद बच्चे मिले आपको? 5 दिन के बाद मिले। 5 दिन बच्चे। बच्चों ने बताया कि क्यों गए थे? बच्चों ने अभी तो मतलब कि हम उतनी बात नहीं हुई है, मर के यहाँ कह रहे हैं कि जो घूमने के लिए गए थे। ठीक ठाक मिल गए? हाँ ठीक ठाक मिल गए। जो कोई बंदा बच्चा जाना चाहता है तो उन्हों की माँ बाप ने नोट में लिया के नहीं जाना अजे तक सू बारे कोई पता नहीं लगा क्योंकि बच्चे छोटे है उन्होंने ना तो कार नंबर का नोट किया ना उसका एड्रेस भी उन्होंने को है पर फिर भी अभी कोशिश करा पता लगा मामला ये सरकारी स्कूल खोखा में ना तीन बच्चे जो है हाथ जगपाल रियाज हरे तो एक विजय कुमार तो तीनों बच्चे पढ़ गए पर दो तरीक नू गए थे। उस तो बाद बिना किसी को दसिया पुछया अपनी मर्जी के नाल ही चले गए इतों जिसे संबंध में उन्होंने माँ बाप ने सू इतला दी इस करके अभी 3 तरीक में फिर मुकदमा दर्ज कर दिता तो इन्होंने सर्च शुरू कर दी। सर्च के दौरान अभी पाया गया कि यह रेलवे स्टेशन फगवाड़ा विखे आ गए हैं। उस तो बाद पुछगिछ तो पता लगा कि यह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर चले गए हैं। उस तो बाद फिर उतों पुछगिछ की तो पता लगा कि यह अंबाले चले गए। अंबाले तो पता किया तो उतों पता लगा है कि चंडीगढ़ किसी व्यक्ति के नाल चले गए हैं। उतों ये उस व्यक्ति के काम भी मंगते रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं तिना इकट्ठा कोई काम नहीं दे सकता तो वह इन्हों रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ के कोल छड़ के चला गया जिन्होंने उसे अपने रात गुजारी है खाना खाधा है लंगर लगा सर सू जो अभी इस दौरान जो नोट में आई थी अभी सर्कुलेट कर दिता कि अपने बख बख थाने के बख बख स्टेटा कि साढ़े 3 बच्चे जोड़े है ये मिस हो गए तो इन्हों लभ्या जाए तो इन्होंने हुए जोड़े आई असं इन्हों भेज देते तो सानू फिर किसी मेरे एस आई गुरमीत सिंह जोड़े है चौंकी इंचार्ज इंडस्ट्रीज एरिया इन्हों इतलाह आई कि वो बच्चे जोड़े है चंडीगढ़ हाजिर है रेलवे स्टेशन के नेे तो इन्होंने जाके इन्होंने रिकवर कर लिया। इस तो पहला असी 4 टीम बनाईया सी इन्हों लभण के लिए जिसे एस एस पी सिटी तो सी आई इंचार्ज सिकंदर सिंह एस एच ओ सतनामपुरा तो गुरमीत इन्होंने अपनी जी जिम्मेवारी के नाल काम किया है कि बच्चों ने खुले हो ना हो दी तो जल्दी तो जल्दी लभ लिया। ये किसी दबदबा के नहीं है मिसगाइड हो गए चमक दमक तो दुनिया में कुछ मिसगाइड हो गए हैं अभी चल गए हैं कि अभी माँ बाप तो आजाद होकर तो कम कर लेंगे बाहर जाके अपना इंजॉय कर लेंगे पर इन्हों की उम्र बहुत छोटी है इन्होंने नहीं चल रही बिल्कुल आ गए हैं इन्होंने हम जज साहब से पेश करा तो उसे भी बयान देंगे कि वो किस तरह गए किस तरह नहीं गए थे जब किस तरह कि नहीं उन्होंने गाइड किया मैंने 6वीं क्लास में पढ़ते हैं